मेट्रो से जाऊंगा जब भी बुरा हाल होगा। अरे भाई कहां है जयगार, ये एंडेवर है, जयगार का टैटू लगा रखा था, कौन भिखारी है ये। गाइस आदित्य बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड अभी मैं इंट्रो में कुछ ऐसे हालत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो का जो फर्स्ट फुटेज है, जो घर से मैंने ऑलमोस्ट आधा रास्ते तक जो मैंने बनाया था, उसका पता नहीं वो वॉइस साउंड जो है वो करप्ट हो गया है। अब मेरे पास सिर्फ वीडियो है, सो आगे देख लो, क्योंकि ये वाला पार्ट में थोड़ा कम डालूंगा बिना वॉइस का, बाकी आगे देख लो। And her phone is not in her. She's a diamond under. रास्ता कुछ ऐसा है भाई, रात को 1 बज गए और ये मैं अंदर से थैंक यू सो मच और अंदर से क्या है बात है, हैप्पी बर्थडे सीरियसली। कितना डर, कोई भी आए ना, औरत भी आए ना, मैं सीरियसली पीछे चले जाऊंगी। पीछे पीछे वाला सीट है ठीक है, उसके बाद डिक्की है, वो फिर वहां से कहां जाओगे? नहीं मैं पीछे बैठ जाऊंगी। अब तो बैठ, वो अच्छा जो पीछे बैठते उनको नहीं पकड़ते चुड़ैल? तो पहले तुम लोगों को पकड़ेगी ना, मुझे लपेटे तो तुम भी जाओगे। नहीं सबसे पहले तो मुझे डर लगना चाहिए ना, क्योंकि मुझे चढ़ना है। अच्छा हाँ सही कह रहे, तुम्हें चढ़ जाता है जल्दी, तुम्हें तो मुझसे डर लगता है।
निकाल देंगे ना हम सबसे पहले फिर। देखो सिंपल एंड सॉर्टेड है जो देखो प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। सुनो मैं बताता हूँ, देखो प्रॉब्लम से भागना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को ना जड़ से उखाड़ देते हैं, तो तुमसे हम भागेंगे नहीं, तुम्हें भी सीधा फेंक देंगे। हाँ देखो सिंपल एंड सॉर्टेड सबसे बेस्ट। अरे तो हमारे साथ इतनी बड़ी है, भूत है तो हमें डरना क्यों भाई? हेलो, इस बात का डर है तो डरो मुझसे। हाँ तो यार तुमसे क्यों डर रहा, तुम तो अपनी हो, तुमसे क्यों डरना? अगर तुमसे भी डरने लग गए तो फिर यार फिर घर से तुम्हें हम बुलाते ही नहीं कभी। फिर ज्यादा मत बोलो, रास्ता ना इतना डरावना, क्या बताऊं यार, इतना डरावना रास्ता होता है क्या? लाइट वाइट नहीं है दूर दूर तक कुछ भी यार? होता So and there was a plan, change in plan, and we have changed the destination, and this is the destination for today, and we have reached Amir Sukhdev right now. And मेरा वैसे भी बहुत पहले से plan था कि अमीर सुखदेव बहुत time से आऊँगा, but as a ride आने का मेरा मन था यहाँ पे, but as a drive वो भी birthday के दिन मैं अपने siblings के साथ आया हूँ, and like I'm seriously बहुत ठंडा weather and मज़ा आ रहा है seriously. बाहर तो भाई इतनी गंदी ठंड है ना, ये हवा चल रही है हाईवे के पास, बहुत गंदी ठंड है, चिढ़ जाऊंगे। शर्मा क्यों रहे कैमरे के सामने? चल सर मैं नहीं कर, चलो मैं नहीं कर। हाँ बोलो क्या बोलो। अरे अब तो नहीं हो, तुम क्रॉप वो कर दिया मैंने। हाँ बोलो घर वाले नहीं मेरे नाम पे बिल फाड़ रहे हो। रात हो गई, लाल हो गया। अभी हमें सौंफ मिला और ये इस लड़की ने कटोरा भर के गुड़ और ऐसे सौंफ आया था, इस लड़की ने पूरा रख लिया अपने बैग में और एक 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 मेरे हाथ में थमाया इसने एक। कैसा लग रहा है ये लूट के इनको? कैसा लग रहा है तुमने ये लूट के? मैं भी दे दूँ अपने जेब से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी ठंड और हमने आइसक्रीम और हमने ले लिया आइसक्रीम। चलो मेरा बस हम लोग तक चलो कहीं और चलते हैं। कहाँ चले? अभी घर जाते जाते फिर लेट हो जाएगा ना। अरे पागल है, मेरे को सोना भी है। तुम क्यों सोगे, क्या करोगे सोके? अरे यार पूरे दिन में रहना पड़ता है, पता है गुड़गांव 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर जाओ 50 किलोमीटर आओ भाई जाओ, तुम तो बुरा हाल करवाओगे। मेट्रो से जाऊंगा जब भी बुरा हाल होगा। कहाँ है जैगवार? ये एंडेवर है। जैगवार का टैटू लगा रखा था, कौन भिखारी है ये?
अगर गाड़ी में हीटर होता तो तुम लोग तो मेरे से वो भी लगवा लेते। नहीं नहीं भैया, नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर गाड़ी में हीटर होता तो तुम भी वो भी बोलते, वो लगवा दो मेरे लिए, ऑन कर दो। यहाँ पे ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही है और ऊपर से 9 डिग्री सेल्सियस है, इतनी बुरी फटी है ना, बाहर निकलने का हो नहीं रहा। बट अमीर सुखदेव आओ और गाड़ी में बैठे रहो तो इतना वो के फ़ायदा भी नहीं हुआ, थोड़ा बाहर टहलेंगे थोड़ा बहुत। ठंडी लग रही है, जैकेट निकाल लेते पीछे से, ठंडी लग रही है। इसके लिए नहीं, वैसे ठंडी होता। अब मैं वीडियो बना लूं? सॉरी क्या करूं? यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर्स वगैरह यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर्स वगैरह दिख रहे हैं ये सारे फार्मर्स हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वो है सारे, ये मतलब अपना अपना छोड़ ये वो यार राशि प्लीज यार। अच्छा रुको बोल ले दो। हाँ तो ये सारे फार्मर्स यहाँ पे ना रोड मतलब ऐसे ब्लॉक कर रोड सारे ऐसे ब्लॉक करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। सॉरी मतलब जितने ट्रैक्टर्स वगैरह दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने मतलब जैसे डेरा जमा रखा है रास्ते के बीचों बीच, और छोटा सा ये सब यहाँ पे है। यार एक ही बात मेरे से रिपीट करवा रहे बार बार, ठंडी लगी मेरे को यार। जब पीछे बैठ जाओ मुझे क्यों हटना है। अच्छी ये फार्मर्स वगैरह यहाँ पे पूरा ऐसे बैठे हुए क्योंकि इनको दिल्ली घुसने नहीं दिया जा रहा, और ये पूरा रुके हुए। और सो अभी रास्ते में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सीधा यहाँ से सीधा घर निकल के फिर तभी कुछ बात करते, और यही है जो मेरे खराब कर रहे वीडियो बार बार छींक मार के। तो अब बाकी सीधा घर जाके करते क्योंकि कुछ है नहीं, एक तो खाली रास्ता ऊपर से थोड़ा बहुत फॉग है थोड़ा बहुत, और बस वही है कुछ भी नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। ये देखो रात को मतलब सुबह ऑलमोस्ट 6-5 बज गए एंड हम ऐसे गली गली जा रहे क्योंकि बाहर मेन रोड हाईवे पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो पूरा रोड बंद करके बैठे हैं, और हम पिछले 1.5 घंटे से ऐसे घूमे जा रहे हैं और ये कुछ रास्ता ऐसा मिल रहा है हमें अंदर वाले से। ये देखो भाई बहुत ही गलत, बस यहाँ से एक बार निकल जाए यार, ये दिक्कत होगी बस। सो इट्स 6:11 इन द मॉर्निंग एंड रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि बहुत दिक्कत हुई हमें वो प्रोटेस्ट की वजह से, पूरा मतलब बंद था रास्ता और पता नहीं अंदर अंदर से रास्ते हैं, और अभी घर पहुँचे अब सो जाऊँगा, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो मैंशन योर व्यूज़। दिस वॉज माई डे, द डे आई वॉज बॉर्न, मैंने ऐसे सेलिब्रेट किया बहुत सालों बाद, मतलब मैं वैसे यूजली सेलिब्रेट नहीं करता बट सेलिब्रेट किया तो इस बार ऐसे किया। एंड अभी मैं सोऊंगा, पता नहीं मैं कब उठूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। गुड नाइट, बाय बाय।